गोरखपुर में मायावती और अखिलेश ने साझा रैली में बीजेपी पर निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा है कि 23 मई के बाद बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में नमो नमो बोलने वालों की छुट्टी हो जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी नहीं जीतेगी। वहां भी हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, गोरखपुर ही नहीं, यहाँ बीजेपी बहुत ज्यादा घबराई हुई है और काफी ज्यादा चिंतित भी है, तथा इनकी पूरी नींद भी उड़ी हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके ढीले व लटके एवं मुरझाए पड़े चेहरे ये भी बता रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीजेपी व पीएम श्री नरेंद्र मोदी तथा इनके खास चेले श्री अमित शाह की केंद्र सरकार इस बार जा रही है, पूरे तौर से जा रही है। कोई पाल समाज का होगा सोचो उनके बारे में क्या सोचते होंगे, इसी तरह निषाद समाज के बारे में क्या सोचते होंगे, प्रजापति समाज के लोग होंगे उनके बारे में क्या सोचते होंगे, और इस तरह मौर्य समाज के लोग होंगे तो सोचो उनके बारे में क्या सोचते होंगे, और अगर हमारे बारे में ये सोचते हैं और उनके बारे में क्या सोचते होंगे आप सोच लो। हम तो हैं कैसे भी काम चला लेंगे, हमें काम चलाना पड़ेगा तो दूध और दही और घी से काम चला लेंगे, और अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान न दिया होता तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे होते, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कहीं मठ में बैठ करके घंटा बजा रहे होते। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन ने मायावती और अखिलेश यादव की पूर्वांचल रणनीति पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा है कि कोई रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 13 की 13 सीटों को पिछली बार भी जीती थी और इस बार भी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि अखिलेश मायावती जी के अलावा कोई और है क्या, केवल बुआ और बबुआ के अलावा कोई चुनाव प्रचार करने वाला है क्या, अब उनके प्रचार का कोई मायने नहीं बचा है। आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहन मायावती जी और श्रीमान अखिलेश यादव जी, ये जनता के सामने इनका सच आ गया है कि ये किसके लिए राजनीति करते हैं, किसकी राजनीति करते हैं। दोनों लोग खुद के लिए राजनीति करते हैं,